हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल आज के इस वीडियो में हम प्लास्टिक हिंज से जो भी क्वेश्चंस गेट में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक हिंज के क्वेश्चंस लगभग हर साल एग्जाम्स में गेट एग्जाम्स में एक या दो मार्क्स के हमेशा आते हैं तो अगर आप इस टॉपिक पर कमांड कर लीजिएगा तो आपका एक और दो मार्क्स जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा इन द गेट एग्जामिनेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ अ बीम सेक्शन टू इट्स मोमेंट कैपेसिटी इज एज व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी दैट इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी मतलब क्या होता है आपका एम पी और डिवाइड बाय क्या बोल रहा है इल्ड मोमेंट कैपेसिटी तो बाय जो होता है वो होता है आपका क्या वो होता है आपका सेफ फैक्टर So, जो है वो आपका रेशियो ऑफ प्लास्टिक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि फॉर द स्क्वायर स्टील बीम सेक्शन इन द फिगर एक क्रॉस स्क्वायर स्टील बीम सेक्शन का है ओके द सेफ फैक्टर अबाउट जेड एक्सिस इज एस तो बोल रहा है कि जो सेफ फैक्टर है इस सेक्शन का अबाउट जेड एक्सिस वो है एस और जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो है आपका एम पी तो बोल रहा है कंसिडर ईल्ड ईल्ड स्ट्रेस दैट एफ वाई जो है वो है आपका टू फिफ्टी मेगा पासल एंड एक्वल टू हंड्रेड एम एम ओके मीन साइड जो दिया हुआ है ए वो आपका हंड्रेड एमएम mm दिया गया है तो बोल रहा है वैल्यूज ऑफ एस एंड एम पी तो एस क्या है आपका एस आपका सेफ फैक्टर और एमपी क्या है आपका प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो एस जो है वो सेफ फैक्टर जो होता है सेप फैक्टर जो होता है ये सेप पे डिपेंड करता है तो यहां पर जो सेप दिया हुआ है वो कौन सा सेप है ये है आपका डायमंड सेप तो so, डायमंड सेप का जो फैक्टर होता है वो होता है आपका टू ठीक है तो यहां से आपको एस की वैल्यू निकल गई तो एस की वैल्यू ऑप्शन में आप देखिए एक तो यहां दिया हुआ टू और एक यहां दिया हुआ टू चलिए अभी उस समझ चलते हैं फर्स्ट बोल रहा है कि नेक्स्ट कि आप निकालिए प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कैसे निकालेंगे तो हम जानते हैं कि सेफ फैक्टर जो होता है सेफ फैक्टर वो होता है आपका एम पी बाय अभी पिछले प्रश्न हम देखे एम पी बाय वाई होता है सो एम पी को और आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका एफ जेडपी डिवाइड बाय एफ वाई जेडी ओके तो जेड क्या है प्लास्टिक सेक्शन मॉडल्स और जेडी क्या है इलास्टिक सेक्शन मॉडल अब यहां पर आप क्या कीजिए एम पी निकाल लीजिए एम पी इक्वल टू क्या होगा एम पी इक्वल टू जाएगा एस इंटू एम वाई ठीक है ये एम वाई चले जाएगा और एस यहाँ पे है तो एम पी इक्वल टू क्या हो गया एस इंटू एम वाई और एम वाई क्या होता है एम वाई होता है ये एफ वाई जेडी एस इन टू एफ वाई और जेडी हो गया आपका क्या इलास्टिक से ये आपका हो गया एमपी रट इज प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी जो आपको निकालने बोला है तो आपको निकालना है यहाँ पर जेडी तो जेडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए यहां पे इसका डिस्ट, इसका हाइट निकालिए क्या होगा तो इसको आप ट्राइंगल से सॉल्व कीजिएगा तो इसकी जो हाइट होगी वो हो जाएगी आपकी क्या रूट टू ए हाफ so, हाइट क्या होगी यहां से यहां तक की यहां से यहां तक की जो हाइट है वो हो जाएगी आपकी रूट टू ए डिवाइड बाई टू तो ये हो जाएगा क्या येगा ए बाय टू ए बाय टू तो जेड ई निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्सियर इट इज आई जेड 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 के अकॉर्डिंग uh, सो so, जो उसका फॉर्मूला क्या तो उसका था उसका फॉर्मूला था ए टू दी फोर डिवाइड बाय ट्वेल्व अब जेड जेड कैसे निकालेंगे सेक्शन मॉडलस जेड अक्रॉस जेड जेड सेक्शन वो निकलेगा आपका ए टू पावर फोर डिवाइड बाई ट और इससे आपको डिवाइड करना है ओके okay. डिवाइड करना पड़ेगा आपको ए बाई रूट टू से जेडेड एक्सिस से हाइट को हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं सो ए बाय टू से डिवाइड कीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा रूट टू तो so, यहाँ आ गया आपका रूट टू डिवाइड बाई ए तो ये हो गया आपका रूट टू ए क्यू बाय ट एम एम क्यू क्या हो गया आपका जेड 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 हो गया तो अब आपको क्या करना है आपको इस formula में के formula में के को put करना है तो एमपी इक्वल टू हो जाएगा आपका एस क्या था दो था एफ वाई आपको दिया हुआ टू फिफ्टी और यहां पर डी आपने निकाल लिया इज रूट टू ए क्यू डिवाइड 12 ओके okay. So, सो आप एक की वैल्यू पुट कीजिए की वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है हंड्रेड एमएम mm. एक की वैल्यू आपको यहाँ पे हंड्रेड एम mm दी हुई है सो टू इंटू टू फिफ्टी इंटू रूट टू इंटू हंड्रेड का क्यू डि और आप इसको क्या कीजिए किलोटरमीटर में किलोटरमीटर में आपको आंसर निकालना है तो किलोटरमीटर में मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको आपको यहाँ पर टेन टू द पावर माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना सॉल्व so, कीजिएगा तो आपके आंसर आ जाएगी फिफ्टी एट पॉइंट नाइन थ्री किलो न्यूटन मीटर ओके सो दिस विल बी द आंसर सो फिफ्टी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ए दैट इज दस इक्वल टू दिया हुआ दू एंड एम पी इक्वल टू फिफ्टी एट पॉइंट नाइन किलो न्यूटन मीटर चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिज्मेटिक स्टील बीम इज सोन इन द फिगर तो स्टील बीम सोन यहां पे दिया गया फिगर में यहां पर देखिए

सॉल्व करेंगे ठीक है तो स्टैटिक स्टार्टिंग से सॉल्व करने के लिए अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है इसका इसका कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है तो मान लीजिए कि ये पार्ट जो है है आपका ए और ये क्या है बी है ठीक है तो यहां पर क्या होता है आपका ये जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वाली बेंडिंग मोमेंट की वो क्या होती है पी ए बी बाय एल होती है ओके सो यहां पर जो एम पी की वैल्यू हो जाएगी प्लास्टिक मोमेंट वो हो जाएगा आपका पी ए बी बाय एल सो ए क्या है आपका ए दिया हुआ आपका एल बाय थ्री और बी दिया हुआ टू एल बाय थ्री तो यहां पर पुट कीजिए पी इंटू एल बाय थ्री और यहां पर टू एल बाय थ्री और डिवाइड बाय एल कर दीजिए तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है इसका वैल्यू आ रहा है टू बाय नाइन पी इंटू एल ये आपका एम आ गया स्टेटिक मेथड से अब आपको निकालना है काइनेमेटिक मेथड से क्या प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी आ रही है सो so, अब हम इसको काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे काइनेमेटिक मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि यहां पे कितनी स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी है तो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो है वो यहां पर है आपकी यहां पर आपकी जीरो क्यों नंबर ऑफ यहां कैसे निकालेगा आप इसको नंबर ऑफ रिएक्शंस नंबर ऑफ रिएक्शंस माइनस नंबर ऑफ जो इक्वेशंस बनते हैं यहां पर ठीक है तो यहां पर आपको जो डिग्री ऑफ स्टेटिक इंटरमेंसी है वो जाएगी जीरो तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस जो है वो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डी डेटिक इस्ट, प्लस वन तो यहां पे जीरो प्लस वन आपका आ गया कितना वन हो गया सो so, इसमें जो पॉसिबल प्लास्टिक हिंजेस बनने का है वो लोकेशन वन है वनली वन लोकेशन पे बनेगा तो आप इसको पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो डायग्राम को इसको ड्रॉ कीजिएगा तो कुछ इस तरह से यहां पर प्लास्टिक हिंज बनेगा ठीक है इस पॉइंट पे अब आपको क्या करना है कि अब यहां पे देखिए किस एंगल से डिफ्लेक्ट होगा होगा ये होगा हो थीटा इसको मान लीजिए अल्फा क्योंकि ये सेंटर पे नहीं है ओके सेंटर पे लोड नहीं लग रहा है तो दोनों तरफ डिफरेंट एंगल बनेगा और यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा वो इधर से बनेगा थीटा और इधर से बनेगा अल्फा अब मोमेंट इधर से एमपी लगेगा इधर से भी एम पी लगेगा इधर से भी एम पी लगेगा इस डायरेक्शन में और यहां से भी एम पी लगेगा इस डायरेक्शन में और जो यहां पर लोड लग रहा है आपका पी जो डिफ्लेक्शन है इसको मान लीजिए आप डेल्टा और ये आपकी लेंथ हो गई यहां पर एल बाय थ्री और ये हो गई आपकी टू एल बाय थ्री हो गई ओके अब आपको क्या करना यहां पर पी है अब डेल्टा को आप निकालिए दोनों दोनों साइड से सो डेल्टा जो होगा क्या होगा एल बाय थ्री ठीटा होगा इस साइड वाले थीटा के टर्म में एल बाय थ्री ठीटा इक्वल टू डेल्टा और राइट साइड वाले टर्म में क्या होगा टू एल बाय थ्री अल्फा ये किस दोनों किसके बराबर है ये दोनों है आपका डेल्टा के बराबर सो यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए सो यहां से आप अल्फा निकालिएगा तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी थीटा बाय टू बाय टू हो गई आपकी अब अब आपको क्या करना है कि एक्सटर्नल वर्क डन प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल मेथड से वर्चुअल वर्क मेथड से क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू इंटरनल वर्क डन ओके तो इसके लिए आपको क्या करना है पी डेल्टा पी डेल्टा जो एक्सटर्नल वर्क डन है इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर एमपी इंटू ठीटा एमपी इंटू थीटा यहां पर भी एमपी इंटू थीटा है प्लस एमपी इंटू थीटा यहां क्या एमपी प्लस अल्फा एमपी इंटू अल्फा प्लस एम पी इंटू अल्फा और यहां पर भी क्या एम पी इंटू अल्फा प्लस एम पी इंटू अल्फा राइट डेल्टा को क्या था आपका अब आप इसको किसी एक टर्म, लिए तो के टर्म में लिखिए तो तो था? था यहां पर देखिए ओके और यहां पर एम पी ठीटा रहने दीजिए यहां पर भी एमपी थी दीजिए और यहां पर क्या है टू एम पी अल्फा हो गया तो यहां पर हो गया टू एम पी थीटा प्लस टू एम पी इक्वल टू क्या था अल्फा इक्वल टू हम निकाले थे यहां पर हो गया थीटा बाय टू तो टू टू कैंसिल हो जाएगा तो यहां टोटल बचेगा आपका थ्री एम पी थीटा सो थ्री एम पी थीटा बचेगा आपका यहां पर लेकिन लेकिन यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट था ये आपका हिंज पॉइंट है ओके यहाँ पर आपका क्या है हिंज पॉइंट है और यहाँ भी आपका हिंज पॉइंट है तो यहाँ पर जो मोमेंट होती है वो क्या होती है वो आपकी जीरो होती है जीरो होती है तो यहाँ पर जो आपका टर्म है ये जो पहला टर्म है एम ये हो जाएगा जीरो और ये लास्ट टर्म जो एम है ये भी हो जाएगा जीरो ओके सो यहाँ पर आप देखिए इंटू एल बाई थ्री थीटा यहां पर जो आपको बचा सिर्फ ये टर्म बचा एम पी थीटा प्लस एम पी अल्फा क्या है थीटा बाई टू है तो ये हो गया आपका वन पॉइंट फाइव एम पी थीटा हो गया ठीक है तो ये थ्री नहीं होगा यहां पर इसको यहां से कट कर दीजिए क्योंकि यहां पर क्या है एक दो पॉइंट हिंज है ओके सो तो यहां से आप डेट इस पे आइए दो पॉइंट हिंज है तो आपका क्या हो गया थीटा और थीटा दो आपका एम पी जीरो हो गया क्योंकि वहां पे हिंज सपोर्ट है ओके तो यहां पर हो गया तो यहां पे आप एम पी निकाल लीजिए एमपी एम पी इक्वल टू टर्म को इधर ले जाइए तो हो गया पी एल थीटा बाय थ्री और इधर आ गया वन पॉइंट फाइव इंटू थीटा तो यहां आपको बचा क्या पी एल इंटू टू बाय नाइन सो टू बाय नाइन पी एल बचा आपका ओके एमपी ड्यू टू कामेटिक होगा आपका कैनामेटिक मेथड से ओके सो कैनामेटिक मेथड से टू पी एल बाई नाइन निकला और यहां भी आपका क्या निकला था यहां मेथड से टू पी एल बाय नाइन ही निकला था तो दोनों ऑप्शन क्या है इक्वल है सो ऑप्शन सी जो है वो आपका कर एमपी स्टैटिक इक्वल टू टू पी एल बाई नाइन इक्वल टू एमपी कानामेटिक ओके चलिए अगले चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तो बोल रहा है कि अल्टीमेट कोलैप्स लोड पी इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक मोमेंट एम पी बाय कामेटिक अप्रोच फॉर अ प्रॉप्ट कंटिलीवर ऑफ लेंथ एल विध पी एक्टिंग एट इट्स मिड स्पान एस सोन इन फिगर तो यहाँ पर प्रॉप्ड कंटिलीवर का बीम दिया हुआ है जिस पर कि एक मिड स्पान पे लोड लग रहा है डेट इज पी ओके तो बोला है कि आप निकालिए क्या अल्टीमेट कोलैप्स लोड पी निकालना है आपको इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट एम पी सो पी निकालना है यहां पर देखिए आपको सारे ऑप्शन दिए गए इन in ऑफ एम पी दिया गया है, ठीक है तो वही आपको कैलकुलेट करना है तो चलिए इसको डायग्राम बनाइए कैसे डिफ्लेक्ट होगा ये तो इस तरह की अगर यहां पे बीम है और यहां पे, यह पे क्या होगा प्लास्टिक बनेगा। तो ये एंगल थीटा क्योंकि ये सेंटर पे हो रहा है लोड लगा हुआ तो दोनों साइड का एंगल जो है वो क्या होगा वो होगा आपका थीटा और यहां पर भी आपको थीटा और ये भी आपको थीटा ठीक है और जो प्लास्टिक मूवमेंट होगा यहां पे एमपी इस डायरेक्शन में एम पी इस डायरेक्शन में एम पी और इस डायरेक्शन में आपको क्या होगा एमपी होगा तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो होगा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क सो इसमें क्या होता है इंटरनल डन इक्वल टू एक्सटर्नल डन तो इंटरनल डन जो है पी यहां पर लग रहा है पी लग रहा है और यहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है डेल्टा है सो पी इंटू डेल्टा इक्वल टू इंटरनल डन जो एक्सटर्नल डन हो गया ये तो एक्सटर्नल डन क्या हो जाएगा एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा प्लस एम पी इंटू थीटा ओके लेकिन यहां पर आपको क्या करना देखिए यहां पे जो वाई वाला एंड है वहां पे क्या है बट एक्स पे क्या है फिक्स सपोर्ट है सो हिन्न सपोर्ट वाले पार्ट पे क्या होगा जो प्लास्टिक मोमेंट है वो क्या होगा जीरो चौथा टर्म है ये क्या हो जाएगा आपका जीरो पी डेल्टा इक्वल टू थ्री एम पी थीटा बचेगा सो so, डेल्टा क्या निकलेगा आपका डेल्टा निकाल लीजिए यहाँ पे एल बाय टू है और ये भी एल बाय टू है सो so, डेल्टा जो है वो हो जाएगा आपका एल बाय टू थीटा राइट सो पी इंटू एल बाय टू थीटा इक्वल टू थ्री एम पी थीटा सो पी इक्वल टू क्या हुआ सिक्स एम पी बाय विल बी द आंसर राइट सो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया आपका सी डेट इज दी इक्वल टू सिक्स एम पी बाय चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं

तो बोल रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड एट विच द बीम वुड उलैप अल्टीमेट लोड इज आपको निकालना है अल्टीमेट लोड जिस पर कि बीम क्या व हो, कोलैप्स होगा वो आप निकालिए उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एम पी क्या होगी तो यहां पे अगर आप इसको डिग्री ऑफ पिस्टेटिक इनडिटर्मसी निकालिएगा सो तो डिग्री ऑफ पिस्टेटिक इंडिटर्मिनेंसी इस बीम का कितना है ये है आपका वन और नंबर ऑफ प्लास्टिक क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस दैट क्या होता है डिग्री ऑफ स्टेटिक इंटर प्लस वन दट इज इक्वल टू टू प्लास्टिक बनने की पॉसिबिलिटी है सो so, कहां कहां बनेगा टू प्लास्टिक हिंज फर्स्ट तो बनेगा आपका लोड के नीचे जहां पर लोड लग रहा है उसके नीचे आपको क्या होगा वहां पे आपको प्लास्टिक इंज बनेगा और सेकेंड कहां बनेगा सेकेंड बनेगा आपको जहां पर सेक्शन चेंज हो रहा है मीन्स मिड स्पान पे बनेगा जहां पर कि सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पे बनेगा ठीक है अब चूंकि ये जो लोड है यहां पर पी जो लग रहा है और यहां पर भी पी लग रहा है ये यहां पे सेंटर पे नहीं लग रहा है तो इसका मतलब दोनों जो एंगल है वो डिफरेंट बनेगा ठीक है क्योंकि ये जो डैमेज है वहां पर प्लास्टिक इंच जो है वो पी के लोग बन रहा है तो दोनों तरफ एंगल क्या होगा वो डिफरेंट होगा तो इसको आप मान लीजिए थीटा और इसको मान लीजिए आप अल्फा तो यहां पर जो आपको प्लास्टिक मोमेंट रहेगा यहां पे क्या आपको ये चूंकि टू एमपी का सेक्शन है तो यहां पे आपको टू एमपी लगेगा और यहां का एंगल भी क्या हो गया आपका थीटा और ये हो गया आपका अल्फा यहां पर आप देखिए दोनों जो सेक्शन है पॉइंट जो है दोनों है आपका टू वाले सेक्शन में राइट सो दोनों पॉइंट आपका टू वाले सेक्शन में और यहां का जो पॉइंट है वो है आपका एमपी वाले सेक्शन में ओके अब ये जो ये जो डिस्टेंस आपकी वो आपकी टू एल बाय थ्री और ये जो डिस्टेंस आपका क्या हो गया ये आपका हो गया फोर एल बाई थ्री ओके ये डिस्टेंस हो गया फोर एल बाई थ्री सो आप इसको थीटा और एल आल, अल्फा को पहले इक्वेट कीजिए मींस जो यहां पे डेल्टा की वैल्यू होगी दिस डेल्टा हो जाएगा टू एल बाय थ्री थीटा इक्वल टू तो फोर एल बाय थ्री अल्फा इक्वल टू तो डेल्टा ओके मीन्स जो आपका थीटा है वो हो गया आपका टू अल्फा के बराबर राइट अब आप इसको थ्योरम और वर्चुअल वर्क्स मेथड यूज कीजिए सो टू एम पी थीटा प्लस इस एम पी को इस एम पी को यूज कीजिए प्लस टू एम पी थीटा प्लस टू एम पी अल्फा प्लस ये लास्ट वाला एम पी के पास क्या अल्फा है सिर्फ एम पी है सो एम पी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी इंटू डेल्टा सो पी इंटू डेल्टा डेल्टा को आप थीटा uh, के टर्म में लिख लीजिए सो पी इंटू टू एल बाई थ्री थीटा ओके, तो यहां पर आप देखिए कि अल्फा को बदलिए आप थीटा के टर्म में सो so, यहां पे हो गया टू एम पी थीटा प्लस टू एम पी थीटा प्लस ये अल्फा गेट अल्फा इक्वल टू क्या थीटा बाय टू सो टू एम पी थीटा बाय टू प्लस एम पी थीटा बाय टू इक्वल टू पी इंटू टू एल बाय थ्री इंटू थीटा तो यहां पर जब उसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो पी की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी कितनी वो आ जाएगी कि एट पॉइंट टू फाइव एम पी बा सॉल्व कीजिएगा तो सो so ये आपको हो गया फर्स्ट मेथड से अब सेकेंड मेथड से क्या है सेकेंड मेथड से अगर आपकी लोड यहां पर लग रहा है लेकिन प्लास्टिक हिंज बन रहा है यहां पर सेक्शन चेंज हो रहा है यहां पर तो इसके कारण क्या आपका पी की वैल्यू आएगी वो आपको भी निकालना पड़ेगा दोनों के कारण ओके So, यहां पर चूंकि ये सेंटर पे हो रहा है आपका फेल कर रहा है तो ये जो दोनों एंगल है वो दोनों थीटा रहेगा इस साइड भी और इस साइड भी मींस ये भी थीटा और ये भी थीटा यहां पर आपका क्या था प्लास्टिक मूवमेंट एट इज टू एम पी था लेकिन यहां पर आप देखिएगा जो सेंटर पॉइंट पे इस साइड तो टू एम पी है लेकिन इस साइड एम पी है सिर्फ मतलब आपको यहां पर छोटा वाला वैल्यू लेना है ओके मीन्स इस दोनों साइड आपका कीजिएगा एमपी की ही वैल्यू लीजिएगा ऐसा नहीं कि इस साइड आप टू एमपी ले लीजिएगा और इस साइड एमपी ले लीजिएगा दोनों साइड आप जो स्मॉल वैल्यू है वही लेना है तो, तो यहां पर देखिए ये था आपका कितना एल और ये भी था आपका एल राइट चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर हो गया आपका टू एम पी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा इक्वल टू अब आपको यहां पे निकालना है पी इन सो पी के नीचे का डेल्टा है ओके सो यहां पे क्या हो जाएगा टू एल बाय थ्री थीटा हो जाएगा ओके okay? क्योंकि ये डिस्टेंस थ्री था आपका क्या था राइटा right? so, हो तो पी होगा आपका फाइव एम पी थीटा इक्वल टू टू एल थीटा बाई थ्री तो आपका जो यहां पर पी की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी सेवन पॉइंट फाइव एम पी बाये आपका दूसरे पॉइंट uh, से हो गया तो इसमें से दोनों पॉइंट्स में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी आंसर तो यहां पर जो ऑप्शन है वहां पर इक्वल टू जो ऑप्शन ए है P इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव एम पी बैल वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ओके चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ फिक्स एंड बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोड डब्लू एट द स्पान फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट ए सोन इन द फिगर द कोलैप्स लोड ऑफ द बीम इज तो आपको यहां पर एक बीम दिया गया है जिस फर्स्ट पार्ट है इसका लेंथ है एल बाई टू और सेकंड पार्ट है एल बाई टू यहां का एमपी टू एमपी और यहां का एमपी सिर्फ दिया हुआ है और लोड लग रहा है यहां पे डब्ल्यू तो आपको निकालना है कोलैप्स लोड ऑफ द बीम राइट तो यहां पर भी आप देखिएगा कि इसका जो इसमें टू पॉइंट का बनेगा आपको सो पहला जो डैमेज होगा वो होगा आपका लोड के नीचे इस तरह से और जो सेकेंड डैमेज होगा वो होगा आपका जहां पे सेक्शन चेंज हो रहा है मींस मिड स्पान पे राइट right. so, ये हो गया आपका थीटा चूंकि यहां पे डिफरेंट लेंथ है तो यहां पर जो आपका दोनों एंगल डिफरेंट बनेगा एक थीटा मान लीजिए अल्फा मान लीजिए और यहां पे डब्लू का लोड लग रहा है और ये हो गया आपका क्या डेल्टा तो यहां पर जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा आपका टू एमपी यहां पर आपको थीटा लग रहा है और इधर से अल्फा लग रहा है चूंकि दोनों टू एमपी में लाई करता है तो दोनों साइड जो है टू एम पी आपका आएगा, राइट और यहां पर हो गया आपका MP चलिए इससे पहले सॉल्व करते हैं तो यहां पर आप देख लीजिएगा कि ये पॉइंट जो है वो आपका है एल बाई थ्री राइट और ये पॉइंट आपका हो गया एल बाई थ्री तो सबसे पहले आप क्या कीजिए डेल्टा की वैल्यू इक्वेट कीजिए मीनस एल 3 थ्री इक्वल टू एल बाई थ्री अल्फा इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा राइट सो so, यहां पर जो थीटा और अल्फा में रिलेशन आ जाएगा वो हो जाएगा आपका अल्फा इक्वल टू तो थीटा बाय टू अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाइएगा सो so, पी इंटू जी लिख दीजिए W दिया हुआ तो W इंटू एल बाय थ्री थीटा इक्वल टू टू एम पी थीटा ये वाला फिर ये वाला ये वाला और ये वाला प्लस टू एम पी थीटा प्लस टू एम पी अल्फा हो जाएगा क्योंकि यहां पे अल्फा है ओके और प्लस एम पी अल्फा सो यहां पे टोटल कितना हो गया यहां पे टोटल हो गया आपका फोर एम पी थीटा प्लस थ्री एम पी अल्फा सो यहां पे हो गया आपका फोर एम पी थीटा प्लस थ्री एम पी थीटा टू इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ का हो गया ग्यारह बाय टू एम पी थीटा और यहां पे हो गया आपका w एल बाय थ्री ओके सो यहां पे w की वैल्यू आप क्या कीजिए यहां से निकाल लीजिए इट इज डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका थर्टी थ्री बाय टू एम पी डिवाइड बाई एल आपका हो गया सिक्सटीन पॉइंट फाइव एम पी हो गया आपका एक मेथड से राइट अब सेकेंड मेथड से कैसे होगा यहां पे लग रहा है आपका डब्ल्यू ये है आपका थीटा ये भी आपका थीटा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेंटर पे डिफ्लेक्ट कर रहा है तो थीटा थीटा हो जाएगा ये थीटा और ये थीटा यहां पे आपका टू एम पी रहेगा लेकिन ये जो है दोनों पॉइंट यहां पे सेक्शन चेंज हो रहा है इस साइड टू एम पी और इस साइड एम पी है तो यहां पर आपको मिनिमम वाला लेना है ओके एमपी इधर भी एम पी लेना है इक्वल करके और इधर तो एम पी हो जाएगा राइट सो so, यहां पे आप क्या कीजिए यहां पे आपको क्या करना है आपकी डब्ल्यू यहां पे लग रहा है तो इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस थीटा की जो वैल्यू है डब्लू की ये आपकी हो जाएगी एल बाय थ्री थीटा ओके okay. पर सेकंड पार्ट को आप यहां पर क्या कीजिए कि वर्चुअल मेथड लगाइए तो टू एम पी थीटा प्लस एमपी थीटा प्लस एमपी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डब्लू ये जो डेल्टा है आपका वो क्या हो जाएगा आपका एल बाई थ्री थीटा ओके सो पी इंटू एल बाई थ्री थीटा तो यहां से आपको सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर जो P की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 15 एम पी डिवाइड बाई एल ओके तो यहां पर आपका आया 16.5 पॉइंट फाइव यहां पर आया फिफ्टीन तो आप जो मिनिमम वैल्यू है वो आपका हो जाएगा आंसर दैट इज द ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट वन दैट इज P इक्वल टू फिफ्टीन एम पी बाय सो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा चलिए चल अगले क्वेश्चन चलते हैं सो so, ये क्वेश्चन भी गाइस पिछले क्वेश्चन की तरह ही है इसमें दिया हुआ है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलैप्स मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग फिगर द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी यू इज सी एम पी इन टू एल डिड बाय ओके मीन्स पी यू जो है वो आपको एम पी टर्म में दिया हुआ है और एक पार्ट का एम पी दिया हुआ है आपको और एक पार्ट का थ्री एम पी दिया हुआ है। तो वही बोल रहा है एम पी एंड थ्री एम पी डिनोट द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बीम सेक्शन एस इन दिस फिगर द वैल्यू ऑफ सी निकालने पर जो कॉन्स्टेंट यहाँ पे टर्म आता है पी इक्वल टू सी एम पी वैल्यू वो सी की वैल्यू आपको निकालना है कि क्या कॉन्स्टेंट की वैल्यू आ रही है तो यहां भी आपको दो टाइप का डिफॉर्मेशन uh, होगा एक आपका होगा मिड सेक्शन पे और एक होगा आपका लोड जहां पर एक्ट कर रहा है तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि लोड जहां पर एक्ट कर रहा है तो उसको आप उसको ड्रॉ कर दीजिए डिफ्लेक्शन पॉइंट यहां पर आपको पी लग रहा है या आपको हो गया डेल्टा इसको मान लीजिए आप थीटा इसको मान लीजिए आप अल्फा तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी आपकी थ्री मीटर इधर है और इधर है क्या वन मीटर है अब यहां पर जो मोमेंट है वो है आपका थ्री एम पी यहां पर जो एंगल है वो है आपका थीटा इधर है आपका अल्फा और ये दोनों एमपी पे लाइ कर रहा है पॉइंट तो इधर भी एमपी हो जाएगा और इधर भी आपका एमपी हो जाएगा और इस साइड भी आपका एमपी हो जाएगा राइट आप पहले निकाल लीजिए कि थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन है थीटा और अल्फा में रिलेशन निकालने के लिए क्या पहले आप ये एक फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए सो अल्फा इक्वल टू थ्री थीटा इक्वल टू डेल्टा ओके सो थ्री इंटू थीटा इक्वल टू डेल्टा होगा वैसे ही वन इंटू अल्फा इक्वल टू डेल्टा होगा तो अल्फा इक्वल टू थ्री थीटा इक्वल टू डेल्टा हो जाएगा मीन्स थीटा इक्वल टू हो गया आपका अल्फा बाय अब इसमें प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाइए सो थ्री एम पी थीटा ये वाला पार्ट प्लस एम पी थीटा प्लस एम पी अल्फा प्लस एम पी अल्फा ये हो गया आपका प्लस एम पी थीटा प्लस एम पी अल्फा प्लस एम पी अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी इंटू डेल्टा ओके सो पी इंटू डेल्टा हो गया आपका क्या इसको आप लिख लीजिए पी अल्फा लिख लीजिए ओके okay. पी अल्फा लिख लीजिए so, अल्फा के टर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए हो तो आपको टोटल कितना फोर एम पी थीटा प्लस टू एम पी कीजिए अल्फा के टर्म में लिख लीजिए तो फोर एम पी अल्फा बाय थ्री प्लस टू एम पी अल्फा इक्वल टू पी अल्फा इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पी की वैल्यू जो आएगी की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी टेन एमपी बाय थ्री लेकिन आपको निकालने बोला है एल के टर्म में ओके के टर्म में निकलने बोला है तो टोटल जो बीम का टर्म से डिवाइड कर दीजिए फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एल के टर्म में आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको एल के टर्म में कॉन्स्टेंट निकालने बोला है इसलिए टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया सो so, आप इसका क्या फोर्टी बाई थ्री एम पी वाल यहाँ पर इसके कारण जो सी की वैल्यू है वो आपकी है फोर्टी आपका सी फोर्टी बाई थ्री गया आपका इस पार्ट से फर्स्ट पार्ट से राइट हम चलते हैं सेकेंड पार्ट।, तो पार्ट पे सेकंड पार्ट पे सी की वैल्यू क्या है सेकेंड पार्ट मतलब कि जो डिफ्लेक्शन है वो जो मिड सेक्शन पे हो रहा है जहां पे सेक्शन चेंज हो रहा है वहां पर इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके बेसिस पे क्या सी की वैल्यू आएगी वो भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके कारण आपको क्या होगा कि दोनों साइड थीटा एंगल बनेंगे क्योंकि मीट पे हो तो दोनों तो तो साइड तो तो जो डिफ्लेक्शन है वो थीटा बनेगा और यहाँ पे आपको पी हो गया इधर आपका हो गया थ्री एम पी इधर हो गया आपका एम पी और यहां पे चूंकि दोनों भी सेम पॉइंट पर है तो मिनिमम वैल्यू आप लिखते हो दैट इज एम पी और एम पी लिखते हो और ये दोनों एंगल क्या है थीटा है तो यहां पे आप इसको निकालेंगे तो थ्री एम्पी थीटा mp ठीटा mp थीटा और mp थीटा तो कितना हो गया आपका टोटल सिक्स थीटा हो गया सेकेंड पार्टी थीटा इक्वल टू तो पी इंटू वन इंटू थीटा ये डेल्टा आप निकाल लीजिए सो so यहां पर आपको जो p की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी सिक्स एम पी ओके सिक्स एम पी हो गया यहां पे तो इसको आपको एल के टर्म में निकालें तो आपको फोर से मल्टीप्लाई और फोर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ट्वेंटी फोर एम पी बायल तो यहाँ पर जो सी की टर्म है ये आपका हो गया ट्वेंटी फोर तो दोनों में से जो भी लेस वैल्यू है लेस वैल्यू क्या है आपका फोर्टी बाय थ्री डेट इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री तो जो कट ऑप्शन है यहाँ पे एक ऑप्शन तो नहीं है फिल इन द आपको लिखना है थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री विल बी द आंसर जो मिनिमम वैल्यू है राइट तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू